फिलिप एक बहुत अमीर आदमी है, मगर हैंडीकैप होने की वजह से उसे अपने डेली के कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब फिलिप की इस बीमारी की वजह से उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जानेंगे हम आज की इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत में हम ड्रिस को देखते हैं, जो फिलिप को बाहर घुमाने लाया था। ड्रिस कार में बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए वो कार को फास्टली ड्राइव करता है और सिग्नल तोड़कर वहां से निकल जाता है। मगर कुछ दूर जाते ही पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। ड्रिस उन्हें बताता है कि मेरा मालिक हैंडीकैप है और उसे फिट्स आ रहे हैं, अगर मैंने जल्दी उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया तो उनकी जान भी जा सकती है। जब पुलिस वाले फिलिप को चेक करते हैं, तब फिलिप ऐसे नाटक करता है जैसे कि उसे सच में फिट्स आ रहे हों। अब ये सब देखने के बाद पुलिस वाले ड्रिस को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और स्पीड लिमिट क्रॉस करने के लिए माफ कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मूवी का सीन चेंज होता है और हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ड्रिस फिलिप से मिला भी नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप एक हैंडीकैप है और वो हिल भी नहीं सकता। यही नहीं, उसे अपने रोजाना के काम जैसे कि उठना, बैठना, घूमना और दूसरी जगह पर जाना, इन सब के लिए उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। अब क्योंकि फिलिप पूरी तरह से पैरालाइज था और हिल भी नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी असिस्टेंट मिगेल से एक केयर टेकर ढूंढने के लिए कहता है, ताकि वो डेली के कामों में उसकी मदद कर सके। फिलिप की बात मानकर मिगेल एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है, जिसे देने के लिए हमारा ड्रिस भी वहां पर आया हुआ था। मिगेल एक एक करके उन सब का इंटरव्यू लेती है, मगर फिलिप को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता। ड्रिस जानता था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसे ये जॉब नहीं मिलने वाली। इसलिए वो बिना देरी किए अंदर आ जाता है और फिलिप से कहता है, मैं यहाँ पर नौकरी के लिए नहीं बल्कि सरकार की बेरोजगारी स्कीम का फायदा उठाने आया हूँ। अगर तुमने इस पर साइन कर दिया तो मेरे पास 3 रिजेक्शन लेटर हो जाएंगे, जिसके बाद मैं इसे सबमिट करके सरकार की बेरोजगारी स्कीम का फायदा उठा सकूंगा। फिलिप उससे कहता है कि मैं अभी इस पर साइन नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम कल आओगे तो मैं कल तुम्हें इस पर साइन करके दे दूंगा। अब क्योंकि ड्रिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने घर आ जाता है और अपने भाई और बहनों के साथ खूब हैंग आउट करता है। जब रात को ड्रिस की आंट घर आती है, तब वो ड्रिस पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से चोरी के इल्जाम में जेल के अंदर था और अब अचानक से यहाँ पर आ गया था। ड्रिस की आंट चाहती थी कि ड्रिस एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बने और अपने भाइयों और बहनों का ध्यान रखे, मगर जब तक वो घर पर था तब तक ऐसा हो पाना नामुमकिन था, इसलिए उसकी आंट ड्रिस को घर से बाहर निकाल देती है। आंट की बात सुनकर ड्रिस को काफी बुरा लगता है और वो रात भर दोस्तों के साथ हैंग आउट करता है। अगले दिन जब ड्रिस अपना रिजेक्शन लेटर लेने के लिए फिलिप के घर आता है, तब फिलिप की असिस्टेंट रेवा ड्रिस को सारा घर दिखाती है और उसे लेकर फिलिप के पास आ जाती है। फिलिप उससे कहता है कि तुम्हारा रिजेक्शन लेटर वहाँ टेबल पर रखा हुआ है। ड्रिस रिजेक्शन लेटर लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिलिप उसे रोक लेता है और उसे केयर टेकर की जॉब ऑफर करता है, क्योंकि ड्रिस के पास कोई दूसरा बेटर ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फिलिप की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन फिलिप की डॉक्टर ड्रिस को सारे काम बताती है कि किस तरह से उसे फिलिप की मसाज करनी है, उसे किस तरह से नहलाना है और उसे कैसे कपड़े पहनाने हैं। साथ ही डॉक्टर उसे ये भी बताती है कि उसे फिलिप की सीट भी साफ करनी होगी। पहले तो ड्रिस उसे ऐसा करने से मना कर देता है, मगर कोई दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन जब ड्रिस फिलिप की मसाज कर रहा होता है, तब गलती से हॉट कॉफी फिलिप के पैर पर गिर जाती है, मगर फिलिप को इससे जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। ड्रिस को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था, इसलिए वो उसके पैरों पर थोड़ा और कॉफी गिरा देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और वो ड्रिस को ऐसा करने से रोक लेती है। फिलिप को ड्रिस काफी पसंद था, क्योंकि वो अपने हर काम को एक मजाकीय अंदाज में किया करता था। ड्रिस फिलिप से ऐसे बातें करता था जैसे कि वो उसे बचपन से जानता हो। वो कभी भी फिलिप को हैंडीकैप होने का एहसास नहीं होने देता था। जैसे जैसे ड्रिस काम सीखता जा रहा था, वैसे वैसे उन दोनों की दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब ड्रिस फिलिप को घुमाने के लिए लेकर बाहर आता है, तब फिलिप का दोस्त रोजन फिलिप को बताता है कि मैंने तुम्हारे केयर टेकर का बैकग्राउंड चेक किया है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि चोरी के इल्जाम में वो पहले से ही 6 महीने की सजा काट चुका है। फिलिप उससे कहता
कहता है कि मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे एक हैंडीकैप की तरह नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है। और कभी कभी तो वो ये भी भूल जाता है कि मैं एक हैंडीकैप हूँ। कुछ देर तक बात करने के बाद रोजन वहाँ से चला जाता है और ड्रिस फिलिप को लेकर वापस घर आ जाता है। रात को जब ड्रिस रेवा के साथ डिनर कर रहा होता है तब उसे बेबी मॉनिटर पर फिलिप की आवाज सुनाई देती है जो मिगेल से कुछ लेटर्स लिखवा रहा था। जब ड्रिस उससे इस बारे में पूछता है तब रेवा उसे बताती है फिलिप एक लड़की को पसंद करता है लेकिन आज तक उसने कभी उसे देखा नहीं। वो दोनों अक्सर लेटर्स के थ्रू एक दूसरे से बातें करते हैं। अब ये सब सुनने के बाद ड्रिस को उस पर काफी हंसी आ जाती है और वो रेवा के साथ हंसी मजाक करने लगता है। अगले दिन जब ड्रिस फिलिप के साथ लंच करने के लिए होटल में आता है तब फिलिप उसे अपने हैंडीकैप होने की कहानी सुनाता है। फिलिप उसे बताता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए गया हुआ था मगर मौसम खराब होने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी वाइफ की डेथ हो गई और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अगले दिन जब फिलिप उस लड़की के लिए लेटर लिख रहा होता है तब ड्रिस उससे कहता है तुम कब तक इस तरह से उसे लेटर लिखते रहोगे, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और उसकी एक फोटो मंगवानी चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ पर रखे हुए एक लेटर को ओपन कर देता है जिसके अंदर उसे उस लड़की का नंबर मिलता है। वो जल्दी से उस नंबर पर कॉल करता है और फोन को फिलिप के कान के पास लगा देता है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं और उन दोनों के बीच में एक इमोशन बिल्ड हो जाता है। अब क्योंकि उस लड़की को फिलिप का एक फोटो चाहिए था इसलिए वो ड्रिस से अपनी कुछ फोटोज निकलवाता है। फिलिप को डर था कि अगर उस लड़की को पता चला कि वो पैरालाइज है तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो अपनी व्हीलचेयर वाली फोटो भेजने की बजाय उसे अपनी पुरानी फोटोज भेज देता है। उसी रात जब ड्रिस अपने कमरे में पेंटिंग कर रहा होता है तब अचानक से वहां पर फिलिप की बेटी मिया आ जाती है। मिया को अपने कमरे में देख ड्रिस को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। ड्रिस फिलिप से कहता है तुम्हारी बेटी बहुत बदतमीज हो गई है, वो जिस तरह से तुम्हें ट्रीट करती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा। अब क्योंकि फिलिप भी ड्रिस की बात से सहमत था इसलिए वो मिया को खूब डांटता है और उसे सुधरने के लिए कहता है। ड्रिस को फिलिप का साथ अब काफी अच्छा लगने लगा था इसलिए वो उसे हर दिन कहीं ना कहीं घुमाने ले जाया करता था। ये जानते हुए भी कि फिलिप हैंडीकैप है वो उसका खूब मजाक उड़ाता और उसे सिगरेट भी पिलाता। जब फिलिप का बर्थडे आता है तब उसके रिलेटिव्स उसके लिए एक बर्थडे सरप्राइज ऑर्गेनाइज करते हैं। अब क्योंकि ड्रिस को मिया कहीं पर नजर नहीं आ रही थी इसलिए वो उसे ढूंढते हुए ऊपर आ जाता है जहाँ उसकी नजर मिया पड़ जाती है जो कि रो रही थी। जब ड्रिस उससे पूछता है कि क्या हुआ तो मिया उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गंदी गंदी गालियां दी हैं। वो ड्रिस से कहती है तुम उसके पास जाओ और उसे धमकाओ। पहले तो ड्रिस उसे मना कर देता है लेकिन जब मिया उसे पैसे देने की बात करती है तब ड्रिस उसकी बात मान जाता है। ड्रिस को फिलिप का बर्थडे बड़ा बोरिंग लग रहा था इसलिए वो अपना पॉप म्यूजिक लगाता है और उस पर खूब डांस करता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो दोनों सोने के लिए आते हैं तब ड्रिस उसे बताता है कि वो लड़की देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है और कल उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। अब ये सुनने के बाद फिलिप काफी खुश हो जाता है और अगले दिन उस लड़की से मिलने की तैयारी करने लगता है। वो लड़की से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर आता है लेकिन जब काफी देर हो जाती है और वो लड़की नहीं आती तब फिलिप काफी उदास हो जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम ड्रिस को देखते हैं जो मिया के बॉयफ्रेंड को धमका रहा होता है। ड्रिस उसे मिया से माफी मांगने के लिए कहता है लेकिन तभी उसे फिलिप का कॉल आ जाता है और वो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। फिलिप की बात मानकर ड्रिस उसके साथ दूसरी जगह पर आ जाता है जहां वो लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। शाम को जब ड्रिस घर आता है तब उसकी नजर अपने भाई पर जाती है जिसका एक लोकल गैंग के साथ पंगा हो गया था और वो उनसे बचने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। ड्रिस उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे खूब डांटता है और वापस फिलिप के पास आ जाता है। जब फिलिप उससे उस लड़के के बारे में पूछता है तब ड्रिस उसे बताता है कि वो मेरा भाई है। फिलिप उससे कहता है तुम जिंदगी भर मेरा ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हें अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए
लिए एक अच्छी और सिक्योर जॉब ढूंढनी होगी। मैंने तुम्हारे लेटर पर साइन कर दिया है, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम अनएम्प्लॉयमेंट होने का फायदा उठा सकते हो। अब क्योंकि ड्रेस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अगले दिन अपने भाई के साथ वापस अपने घर आ जाता है। ड्रेस के जाने के बाद फिलिप की देखभाल करने के लिए एक दूसरा केयर टेकर आता है, मगर फिलिप को वो जरा भी पसंद नहीं आता। जब फिलिप ड्रेस के साथ बिताए गए अपने पुराने दिनों को याद करता है तब वो काफी चिढ़ जाता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब हम ड्रेस को देखते हैं जो कि एक ट्रेवल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और वहाँ पर उसकी जॉब लग जाती है, मगर कुछ दिनों बाद रेवा उसे कॉल करके उसे वापस बुला लेती है। जब ड्रेस फिलिप के घर पहुँचता है तब वो उसे ड्राइव के लिए लेकर जाता है। अब यहाँ से कहानी पास्ट में आती है जहाँ इन्होंने उन पुलिस वालों को चकमा दिया था। ड्रेस फिलिप को एक नई जगह पर लेकर जाता है और उसकी बढ़ी हुई दाढ़ियों को सेव करता है और उसके साथ खूब हंसी मजाक करता है। ड्रेस फिलिप को लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आता है और उससे कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हारी डेट है। ऐसा कहकर ड्रेस फिलिप को वो चुराया हुआ अंडा वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल ड्रेस ने फिलिप की डेट उस लड़की के साथ फिक्स की थी जिससे वो शुरू में नहीं मिल पाया था। जब फिलिप को इस बात का पता चलता है तब वो अंदर ही अंदर काफी खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।